नमस्कार। सर्वप्रथम जन सरोकार मंच का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे पुनः पुनः इस मंच में स्थान देने के लिए। आज कविता बोलती है ऐसा कुछ शीर्षक है इस कार्यक्रम का, तो इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित हुई हूँ। बहुत सारी कविताएं हैं, बहुत सारी संवेदनाएं हैं, और हम जैसे जैसे नई चीज़ों के साथ जुड़ते हैं या पुरानी चीज़ों के साथ जुड़ते हैं, जो हमारी संवेदना को छूती है, हम उस पर कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। तो कुछ महीनों पहले ये जंगल संवाद, ये एक मैगजीन में मेरी कविता छपी। ये कविता ऐसी लिखी गई थी, मुझे पसंद है, और ये छपने के बाद बहुत सुंदर लग रही, तो ये इन्हीं कविताओं के साथ शुरू करती हूँ। जंगल संवाद। जंगल महान होता है, जंगल महान होता है, जंगल के आत्मा का विस्तार। जंगल महान होता है, जंगल के आत्मा का विस्तार सृजन और शांति का एकमात्र राजमार्ग है। सृजन और शांति का एकमात्र राजमार्ग है। जंगल सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, जंगल सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, जहां के देव अंतर ज्योति जलाए, जहां के देव अंतर ज्योति जलाए, नम्र हो मस्तक झुकाए, नम्र हो मस्तक झुकाए, कष्ट और हानि सहने के पश्चात भी, कष्ट और हानि सहने के पश्चात भी विनम्र और ज्ञानी की तरह व्यवहार करते हैं, विनम्र और ज्ञानी की तरह व्यवहार करते हैं। जंगल के संवादहीन संवादों को समझने वाले, जंगल के संवादहीन संवादों को समझने वाले लोग सृजन के विनम्रता को पुष्ट धरातल देते हैं। जंगल के पीछे पीछे चलना ही अच्छा है, जंगल के पीछे पीछे चलना ही अच्छा है, जंगल के आगे विनाश और दुख है, जंगल के आगे विनाश और दुख है। शोक के समतल धरातल पर, शोक के समतल धरातल पर लज्जाहीन पराक्रम खड़ा है, जंगल जंगल विनम्र पड़ा है। जंगल को नष्ट करने वाले सभ्यता, जंगल को नष्ट करने वाले सभ्यता और नैतिकता को कभी नहीं समझ सकते। ये मेरी जंगल संवाद, एक ये संवाद है, ये इसको कविता नहीं कहा जा सकता है, ये एक कविता जब हम लिखते हैं उससे पहले हमारे जो थॉट्स होते हैं वो एक संवाद की तरह होते हैं, बाद में वो कविता का रूप लेकर प्रस्तुत होते हैं। तो ये पहली कविता मेरी संपन्न हुई। अब ये दूसरी कविता मैं सुनाती हूँ आपको। ये शमशान वैराग्य मेरी एक पुस्तक है, काव्य संकलन, उसमें से सुनाती हूँ। खुदकुशी। लोग चीख रहे थे, डर गया मर गया। लोग चीख रहे थे, डर गया मर गया, पर वह जिंदा था, शायद शर्मिंदा था। घुटा नहीं लुटा नहीं, बच गया मरा नहीं। घुटा नहीं लुटा नहीं, बच गया मरा नहीं। बाहर शांत है, अंदर शोर मचा है, तू अब तक क्यों बचा है। ये मेरी एक छोटी सी कविता है। कैसी लगी ये कविता? ये जो शमशान वैराग्य, ये जो मेरी पुस्तक है, इसमें जितनी भी कविताएं हैं, बहुत सारी कविताएं हैं, 55 कविताएं हैं, ये बहुत प्रिय है मुझे। और मैं आदिवासी समाज और
आदिवासी जगह से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे ये जंगल और इसके विषय में लिखना, पेड़ पौधों के विषय में लिखना बहुत पसंद है। मेरी एक और कविता जो मुझे बहुत प्रिय है, महुआ, भोली महुआ। मैं सुनाती हूँ भोली महुआ। प्रकृति के साथ गर्म दोपहर की लू में नाचती, प्रकृति के साथ गर्म दोपहर की लू में नाचती, प्रकृति के साथ फलती फूलती, प्रकृति के साथ फलती फूलती आस्था में पलती। आदिवासी मन मोहिनी महुआ, कुव्यवस्था की शिकार, कुव्यवस्था की शिकार, सांवली बादामी हरी गेहुआ रंग की लाल महुआ। पत्ते छाया छत्ते, पत्ते छाया छत्ते, स्वाभाविक दैनिक महुआ, घुटने तक साड़ी, घुटने तक साड़ी, मजबूत पाव से पार कर गई दुर्गम खाड़ी, घुटने तक साड़ी, मजबूत पाव से पार कर गई दुर्गम खाड़ी, बैठकर गोदना गोदाई, जंगल छोड़कर अब वो कहाँ जाए, जंगल छोड़कर अब वो कहाँ जाए श्यामा सुंदरी। रजनीश को देख शर्माए पारलौकिक महुआ, डाल पर घाव के निशान, डाल पर घाव के निशान, फिर भी अटल रहा स्वाभिमान, स्पंदन क्रंदन में एक सरल अभिनंदन, स्पंदन क्रंदन में एक सरल अभिनंदन, ऐसी निर्मल महुआ का भी तुमने नहीं किया वंदन। कभी न हारी हरी रही, कभी न हारी हरी रही, हर्ष विमर्श के बीच चेतना के स्पर्श में रही, हर्ष विमर्श के बीच चेतना के स्पर्श में रही, तपकर भी तपना त्यागी, तपकर भी तपना त्यागी, ऐसी तपस्विनी महुआ पगडंडी की धूल से धूमिल न हुई, पगडंडी की धूल से धूमिल न हुई, सूखे पत्तों के साथ उड़ चली समेट कर यथार्थ के रंग, कितना तोड़ा कितना सबने छोड़ा, कितना तोड़ा सबने छोड़ा, फिर भी खड़ी रही बनाकर मोह का घेरा निर्मोही महुआ। कैसे भूलती वह अपना डेरा, कैसे भूलती वह अपना डेरा, नशीली जोशीली महुआ सदा मौलिक रहेगी जंगल में पलेगी, सदा मौलिक रहेगी जंगल में पलेगी, बड़ी वही बढ़ेगी, वही बढ़ेगी अपूर्व महुआ चंचल महुआ। ये कविता मुझे बहुत पसंद है और मैं ये कविता जब पहली बार लिखी थी और मैं एक आदिवासी सम्मेलन में सम्मिलित होने गई थी, और जब मैंने ये कविता सुनाई तो वो आदिवासी जो सम्मेलन था उसमें सब आदिवासी महिलाएं खड़े होकर मुझे कही कि आप हमारे आदिवासी हो, हमारे हमारे बीच के हो, और वो लोग बहुत खुश हुए क्योंकि मैंने इस कविता को आदिवासी महिलाओं के साथ रिलेट किया था। तो वो लोग ना मुझे ऐसे नाच के, उनका जो डांस रहता है वो नाच के, और मुझे बीच में लेकर इस तरह से बहुत स्वाभाविक और सरल भाव से मेरा स्वागत किए। तो ये चीज मुझे मतलब ये ही मेरी जो कविता है ना महुआ, इसका पारितोषक, जैसे मुझे एक अवार्ड मिल गया हो, इतनी खुशी हुई थी मुझे उस दिन। और अब ये और एक कविता सुनाती हूँ, ये संक्षेप सुनाती हूँ। विस्तार का अगर महत्व है तो संक्षेप का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि संक्षेप में जो शक्ति है वो बहुत अपूर्व होती है।
आप और कविताएं भी संक्षेप ही होनी चाहिए, संक्षेप रहती है कविता ज्यादातर, और ये संक्षेप कविता मैंने बहुत सारी ऐसे दो दो लाइन की एक बहुत पुरानी पुस्तक मेरे मतलब ग्रैंडफादर के लाइब्रेरी से मुझे मिली थी, तो एक चार लाइन की ऐसे चार लाइन की बहुत सुंदर सुंदर बातों वाली एक पुस्तक मुझे मिली थी। तो मैंने जब उस पुस्तक को पूरा पढ़ा तो मुझे इतनी अच्छा लगा, वो भी चार दो दो लाइन में, चार चार लाइन में इतनी सुंदर बातें लिखी गई। तो ये संक्षेप तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये शब्द और ये इसमें बहुत सारे बहुत बड़ी बातें छिपी हुई है। तो इसी के बाद मेरे अंदर ये भाव आया संक्षेप। सोचती हूँ अपने प्रदीर्घ जीवन के कुछ किस्से काट दूं, सोचती हूँ अपने प्रदीर्घ जीवन के कुछ किस्से काट दूं, कुछ बांट दूं, संक्षेप कर दूं, अपने मनोलोक को नई दिशा दूं, अपने मनोलोक को नई दिशा दूं, अप्रत्याशित को समेट कर, अप्रत्याशित को समेट कर सुदूर की यात्रा पर निकल जाऊं, मूर्ति भंजक बनकर, मूर्ति भंजक बनकर अपना ही सर काट लूं, अपने स्व से अहंकार को त्याग दूं, अपने स्व से अहंकार को त्याग दूं, तब तक विस्तार न मिले, तब तक विस्तार न मिले जब तक खुद को न बांट दूं, मंदिर के चबूतरे पर शाम, मंदिर के चबूतरे पर शाम बच्चों का खेलना, युवा का स्वप्न लोक की ओर देखना, युवतियों की प्रतीक्षा, युवतियों की प्रतीक्षा, अधेड़ उम्र की स्त्रियों का अंतर्मुखी मन, अधेड़ उम्र की स्त्रियों का अंतर्मुखी मन, उनका आशंकित हो निरंतर बड़बड़ाना, मानसिक शक्ति और निर्माणशील प्रयत्नों का खो जाना, वृद्धों के हताश नेत्रों में भविष्य की शिक्षा, वृद्धों के हताश नेत्रों में भविष्य की शिक्षा, बेहुदा युद्ध पर यश बोध करना, बेहुदा युद्ध पर यश बोध करना सरलता का अपमान है, वैभव से सभी का लिपट जाना, वैभव से सभी का लिपट जाना भोक्ता मन के वस्तु तत्वों का क्रय, प्रेम भी नकली, प्रेम भी नकली, क्रोध भी, आक्रमण भी, पराक्रम भी, रोज के छोटे 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 मोटे क्रम भी, हत बुद्धि होकर स्वाभाविक हो जाना अच्छा है, हत बुद्धि हो स्वाभाविक हो जाना अच्छा है, तुम्हें नहीं लगता? संक्षेप हो जाना अच्छा है, तुम्हें नहीं लगता? संक्षेप हो जाना अच्छा है। ये मेरी एक कविता संक्षेप, और इसकी आज ये वो कविता सुनाने वाली हूँ जो मैंने कभी नहीं सुनाई है। वो सारी कविताएं सुनाती हूँ। अपना, अपना किस लिए चाहिए कोई अपना, किस लिए चाहिए कोई अपना, घोर अंधकार में दिव्य हो उठा सपना, घोर अंधकार में दिव्य हो उठा सपना, एकांत में प्रशांत की प्राप्ति, एकांत में प्रशांत की प्राप्ति, जहां निर्लिप्त हो उठी तृप्ति, किस लिए चाहिए कोई अपना, लक्ष्य है सृजन है, लक्ष्य है सृजन है, मनन है सुंदर कानन है, ये तेरे अपने हैं, जन्म एकांतिक मृत्यु एकांतिक, जन्म एकांतिक
मृत्यु एकांतिक, एक निष्ठ भी विशिष्ट भी, एक निष्ठ भी विशिष्ट भी, हट अकेला, प्रण से भरा मठ भी, गंगा का निश्चल तट भी, शरीर रूपी घट भी, सब जुड़े हैं श्रृंखला में जड़े, सब जुड़े हैं लेकिन श्रृंखला में जड़े हैं, एक साथ हैं, पर तू है अकेला। बना योजना, बना योजना, कर संयोजन, तेरा उत्कर्ष ही तेरा हर्ष है, तेरा उत्कर्ष ही तेरा हर्ष है, एकमात्र वही तो विमर्श है। स्वप्न की पांडुलिपि में, स्वप्न की पांडुलिपि में बार बार संघर्ष ही तो लिखा है, तू जैसा है वैसा ही दिख, तू जैसा है वैसा ही दिख, जब मेहनत करने को है दो हाथ, जब मेहनत करने को है दो हाथ, दे स्वयं का ही साथ, दे स्वयं का ही साथ, अब तो दे तू सबको मात, अब तो दे तू सबको मात। तो ये जो अपनत्व के ऊपर कविता है, इसमें लास्ट अंत में यही पता चलता है कि इंसान अकेला है और उसके सारे संघर्ष, जब जैसे जैसे इंसान चैतन्य होता है, उसमें अवेयरनेस आती है, उसको सारी चीजों का समझ होता है, उसे बोध होता है, तब वो बहुत अकेला हो जाता है और इस अकेलेपन में ही उसकी सारी खोज शुरू होती है, वो खोजना शुरू करता है। भीड़ में तो भटकना होता है और अंतर की यात्रा जब उसकी प्रारंभ होती है तो खोज प्रारंभ होता है। अब एक और कविता सुनाती हूँ। ये कविता सुनाती हूँ, प्रणय हूँ, प्रणय। मैं प्रेम कविताएं बहुत कम लिखती हूँ, बहुत ही कम। मैंने अपने जीवन में सिर्फ दो चार ही प्रेम कविताएं लिखी हैं, बाकी मैं सामाजिक कविताएं और नारी विमर्श की कविताएं लिखती हूँ, पता। लेकिन मैं प्रेम की कविताएं क्यों नहीं लिख पाती हूँ नहीं पता मुझे, लेकिन ये लिखा मैंने। और इसमें जो मैंने प्रणय हूँ का जो कॉन्सेप्ट दिया है, वो भी थोड़ा दूसरों के प्रेम से अलग है, मुझे ऐसा लगता है। प्रणय हूँ, मैं लीन हूँ, मैं लीन हूँ प्रणय में विलीन हूँ, मैं लीन हूँ प्रणय में विलीन हूँ, चिर संचित विराग नहीं, चिर संचित विराग नहीं, निर्बल अनुराग नहीं, निर्बल अनुराग नहीं, बाध्य करे वह लालसा नहीं, बाध्य करे वह लालसा नहीं, चातुर्य से भरा कोई स्वार्थ नहीं, उन्नत प्रणय, उन्नत प्रणय हूं, अकिंचित नहीं, प्राणों को जो झंझोर दे, प्राणों को जो झंझोर दे, मिलन को जो आतुर ना हो, मिलन को जो आतुर ना हो, आह्लाद के लिए व्याकुल ना हो, वह मनोबल हूं, वह मनोबल हूं, विरह ले, विरह ले सब साथ फेरे, विरह ले जब साथ फेरे, विरह ले जब साथ फेरे, प्रज्ञा और समूह समर्पण हो बहु तेरे, विरह ले जब साथ फेरे, प्रज्ञा और समर्पण हो बहु तेरे, तब प्रेम हो, तब प्रेम हो, अवचेतन नहीं, अवचेतन नहीं, चैतन्य चित्त में हो, अवचेतन में नहीं, चैतन्य चित्त में हो, संकल्पित नृत्य में हो, संकल्पित नृत्य में हो, प्रेम केवल त्याग नहीं, प्रेम केवल त्याग नहीं, माया से भरा स्वार्थ नहीं, प्रेम में सर्वस्व चाहिए। यहाँ डिमांड कर रही है कि ऐसे त्याग नहीं करेगी कुछ भी, सर्वस्व चाहिए, प्रेम में सर्वस्व चाहिए, प्रेम में प्रेम का ही वर्चस्व चाहिए, प्रेम को प्रेम से ही अधिक प्रेम चाहिए, प्रेम को प्रेम से भी अधिक प्रेम चाहिए, यदि प्रेम है तो और क्या चाहिए।
यदि प्रेम है तो और क्या चाहिए, प्रणय को सर्वस्व चाहिए, प्रणय को सर्वस्व चाहिए। सर्वस्व से मतलब सब कुछ चाहिए नहीं, एक एक पूरा समग्र मतलब सर्वस्व सब कुछ जिसमें इंसान अपने आप को संपूर्ण महसूस करे, ये है। जब आप अपने आप को संपूर्ण महसूस करते हैं, फुल अपने आप में ही, आप अपने आप में ही संतुष्ट रहते हैं, तब आप एक ऐसा भाव आपके अंदर जागृत होता है, जागृत कहूंगी मैं, तो उस समय जो आपकी जो चेतना होती है वो बहुत कनेक्ट करती है आपको, खुद को यूनिवर्स से कनेक्ट करती है। तो प्रेम का यह मतलब नहीं कि आप विरह में विरह हो जाए, आप कमजोर हो जाए, आप रोए और आपको ऐसा आप बहुत मजबूत हो जाते हैं, ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप बहुत मजबूत हो जाते हैं। तो ये जो मजबूती है, जब आप आपके अंदर कैपेसिटी होगी, आप मजबूत होंगे मानसिक शारीरिक और सब तरीके से, तब आप किसी को कुछ दे सकते हैं। अगर आपके अंदर खुद ही इतनी वेदना है, दुख है और आप खुद ही चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप समर्पण नहीं कर सकते, समर्पण नहीं होगा उस स्थिति में। तो ये जो प्रेम के ऊपर जो कविता मैंने लिखी, उसके पीछे यही मेरा थॉट था कि आप जो आप विरह वेदना ये जो लिखते हैं, रो रही है नायिका, ये हो सकता है कि किसी का अपना एक्सप्रेशन हो, लेकिन प्रेम का जो एक्सप्रेशन है वो सभी के साथ कनेक्ट होता है। सबसे पहले तो आप प्रकृति से जुड़ते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, हर इंसान के अंदर आप कुछ ना कुछ खोजना चाहते हैं, पाना चाहते हैं या उसे कुछ देना चाहते हैं। इस तरह से इसकी खोज शुरू होती है। अब एक कृष्ण के ऊपर कविता लिखी, ये थोड़ा विरोध है, मतलब जो ट्रेडिशन है इसमें, हमारे ट्रेडिशन में हमेशा लिखा गया कि त्याग करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। तो त्याग जो है ना, वो कोई पूरा त्याग नहीं कर पाता है, वो ऑप्शन की तरह चलता है। जैसे इस कविता में मैंने एक्सप्लेन किया है, कुछ ना त्याग सका मैंने, त्यागा गोकुल को मैंने, त्यागा गोकुल को प्राण प्रिय गोकुल मैंने, त्यागा गोकुल को प्राण प्रिय गोकुल और बनाया वृंदावन। एक चीज को छोड़ रहे तो दूसरे पे जा रहे। मैंने त्यागा गोकुल को प्राण प्रिय गोकुल और बसाया वृंदावन, और बसाया वृंदावन, मैंने राधा को छोड़ दिया, मैंने राधा को छोड़ दिया, मेरी वासना विहीन, वासना विहीन एकमात्र प्रिया को, रास को त्यागा उच्छ्वास को त्यागा, रास को त्यागा उच्छ्वास को त्यागा, पर ना समझ सका निसर्ग तत्व को, पर ना समझ सका निसर्ग तत्व को, मैंने कंठस्वर को त्याग दिया पर बोल उठा शंखनाद की ध्वनि के साथ, न त्याग सका ओंकार को, यमुना को त्यागा पर ना त्याग सका जल को। यमुना गंगा को त्याग सकते हैं, लेकिन आप जल को त्याग सकते हैं क्या? यमुना और गंगा हर जगह बहती है क्या? लोग जल के सहारे रहते हैं, गंगा यमुना के सहारे नहीं। यमुना को त्यागा पर ना त्याग सका जल को, संसार रूपी उस प्रबल को, मैं देवकी से दूर रहा। कृष्ण कहते हैं, मैं देवकी से दूर रहा, मैंने मुरली को त्यागा पर ना त्याग सका सुदर्शन को। मैं अर्जुन के साथ खड़ा था, मैं यहाँ पे कन्फेस कर रहे हैं, मैं अर्जुन के साथ खड़ा था पर श्रीखंडी का होकर लड़ा था, मैं रो पड़ा कर्ण को हरा कर, मैं रो पड़ा कर्ण को हरा कर, गांधारी को डरा कर, गांधारी को डरा कर
न रोक सका महाभारत के रण को, न रोक सका महाभारत के रण को, तोड़ दिया मैंने निःस्वार्थ अहिंसा के प्रण को, तोड़ दिया मैंने निःस्वार्थ अहिंसा के प्रण को, मोह को त्यागा पर आकर्षण रह गया, मोह को त्यागा पर आकर्षण रह गया, मैंने कदंब को चाहा पर जा बसा पीपल में, रहा तल में पर खो गया रसातल में। तो ये जो मेरी कविता है इसमें मैंने यही व्यक्त करने की कोशिश की है कि एक चीज को आप त्याग रहे हैं, आप दूसरे की तरफ वो चीज आपका फुलफिलमेंट हो रहा है, एक चीज से आप दूर हो रहे हैं तो उसी उसी तरह से आप दूसरे में एंटर कर रहे हैं। तो त्याग का मतलब है कि आप सब कुछ त्याग दे रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। तो कृष्ण ने बांसुरी को त्यागा और सुदर्शन को धारण किया। तो समय के जैसा समय बदल रहा है, जैसी परिस्थिति है, जो समय की मांग है, उस अनुसार आप अपना अपने टूल्स अपनी सोच अपनी सारी चीजों को बदल रहे हैं। यह है इस कविता का तात्पर्य। अब एक और कविता। कितना समय बच गया है? हाँ, ये कविता मैं बहुत सुनाना चाहती हूँ क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो बहुत देवी देवता और बहुत पूजा पाठ करने वाले लोग रहते हैं। वैसे मैं पूजा पाठ करने वाले की विरोधी नहीं, लेकिन वो पूजा करते हैं देवी की और घर की स्त्री का निरादर करते हैं। तो इस तरह का जो डबल व्यक्तित्व है उस पर ये कुठराघात है। देवी ना मानो, देवी नहीं, देवी नहीं तुम्हारे अनुसार लिखी कोई कथा भी नहीं, देवी नहीं तुम्हारे अनुसार लिखी हुई कोई कथा भी नहीं, व्यथा भी नहीं। आराध्य ना मानो, आराध्य ना मानो, पर यह भी सत्य है नारी दुसाध्य को भी साध्य करे, पर यह भी सत्य है नारी दुसाध्य को भी साध्य करे। कौन है धरा में इतना सबल, कौन है धरा में इतना सबल जो नारी को बाध्य करे। वह तो त्याग की पुनरोक्ति है, धैर्य से भरी युक्ति है। अपनी तिजोरी की संपत्ति न समझो, अपनी तिजोरी की संपत्ति न समझो, त्याग दो ऐसी विपत्ति भी न समझो। केवल ममता समझकर, केवल ममता समझकर सराहना क्यों करते हो, रिश्तों में जकड़कर फिर छल क्यों करते हो। समता की अधिकारिणी है, समता की अधिकारिणी है, जैसे तुम हो वैसी ही। कैवल्य में स्निग्ध समीर, कैवल्य में स्निग्ध समीर, दुराचार में दग्ध समर, ओज है खोज है दिनचर्या सिरोज है, ओज है खोज है दिनचर्या सिरोज है, दिनचर्या सिरोज है। नारी पर प्रश्न चिन्ह न लगाओ, वह तो एक उचित उत्तर है, वह तो एक उचित उत्तर है, समस्त संसार जिसके समक्ष निरुत्तर है। पृथ्वी की धरा है वह, स्वनिकेतन की अप्सरा है वो, पृथ्वी की धरा है वह, स्वनिकेतन की अप्सरा है वो, तुम जिसे निभा ना पाए वो निभा ली, ऐसी श्रेष्ठ परंपरा है वो, ऐसी श्रेष्ठ परंपरा है। नारी को मैंने परंपरा कहा क्योंकि परंपरा का जो निर्वाह करती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, जो रीति रिवाज और जो भी है वो नारी ही पहुंचाती है, और घर की जो बुजुर्ग महिलाएं रहती हैं उनको सब पता होता है अपने ट्रेडिशन का। तो वो जो भी कोई प्रोग्राम्स होते हैं उसमें बताती रहती है कैसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। तो यही सब देखकर ये कविता का सृजन हुआ। और अब एक अलग कविता सुनाती हूँ, जंगल की कविता। अभी मेरी ये जंगल वाली पुस्तक आने भी वाली है, मैं सोच रही हूँ इसमें क्या नया कुछ और करूँ। मैंने लिख
लिख ली है, ये पुस्तक कंप्लीट है करीब करीब, लेकिन मुझे थोड़ा सा और इसमें थोड़े थॉट्स भी डालने हैं, तो कुछ थॉट्स भी डाले मैंने। जंगल का मुख्य स्तंभ शुद्धता, जंगल उसके अभाव में विवेचना शक्ति शिथिल पड़ जाती है, जंगल को काटने वाला अवश्य ही कोई विध्वंस रच रहा है। तो ऐसी इस पुस्तक में इधर कविताएं होंगी और इधर मेरी थॉट्स होंगी जंगल के बारे में, जो इस तरह से मैंने इसको रिलेट किया है। अब एक कविता सुनाती हूँ, नदी। नदी, मुझे नदी बहुत पसंद है, पहाड़ भी और नदी भी, तो नदी पर ये कविता है मेरी, नदी। तुम हो उज्जवल अभेद कलकल, तुम हो उज्जवल अभेद कलकल, छल छल की ध्वनि तुम में। तुम हो उज्जवल अभेद कलकल, छल छल की ध्वनि तुम में, तुमसे तुम प्राण, तुम प्राण, तुम परित्राण, तुम प्राण, तुम परित्राण, तुम तल में अतल में, तल में अतल में, रुधिर में सुधीर में, रुचिता बन सुचिता बन, रुचिता बन सुचिता बन, समुद्र के अथाह में खोकर भी, समुद्र के अथाह में खोकर भी, कभी आग्रह तो कभी दुराग्रह बनकर, कभी आग्रह तो कभी दुराग्रह बनकर, मृदु नंदनी बनकर। ऐसे लगती है कोई नदी को देखकर, मैं जब भी नदी देखती हूँ मुझे लगती है कोई स्त्री है वो, कोई बहुत सुंदर एकदम खूब पवित्र और बहुत निश्चल निर्मल स्त्री, नदी को देखने से ऐसा ही मुझे अपने में बोध होता है। मृदु नंदनी बनकर दोनों किनारों को अपना कर, दोनों किनारों को अपना कर, क्यों इतना समर्पण करती हो? क्योंकि मैंने स्त्री से नदी की तुलना की है इसलिए ऐसा लिख रही हूँ। क्यों इतना समर्पण करती हो? नव यौवना की भांति विद्रोह करो, नव यौवना की भांति विद्रोह करो, निर्झर होकर झरने से झरती हो, निर्झर होकर झरने से झरती हो, जल के ही दर्पण में जलकर, जल के ही दर्पण में जलकर स्वयं का प्रतिबिंब देखती हो। कभी ना देखूंगी यह मायावी मुख, वो देख नदी, नदी जब दर्पण में अपना मुख देखती है, ये मेरी कल्पना है कि नदी जब अपना ही मुख दर्पण में देखती है तो क्या कहती है, कभी ना देखूंगी, कभी ना देखूंगी अपना यह मायावी मुख, प्रण करती हो रण करती हो, प्रण करती हो रण करती हो, शांत और निरीह भाव से, शांत और निरीह भाव से खुद का ही हरण करती हो, खुद का ही हरण करती हो नदी। ये कविता मुझे बहुत पसंद है, नदी। नदी और कितना समय हो गया अब? अच्छा, और कुछ एक कुछ सुनाओ। अभी तक 34 मिनट हुए हैं, है ना? हाँ। है ना? और अभी अंतर्मुखी जंगल, एक जंगल का जो सीरीज है वो, उसकी जो मैंने उसके ऊपर उसके थोड़ी अपनी बात सुनाती हूँ। उस पर क्या लिखा है मैंने, जंगल को काव्य श्रृंखला में पिरोने का प्रयास उस अनुभूति के से जन्म लेता है जहाँ आत्मिक संबंध उन्नत हो, केवल मौलिकता के ही प्रेम में, केवल मौलिकता के प्रेम में उन्मुक्त हो, मुक्ति साधक बनकर जंगल और प्रकृति को ही एकमात्र ईश्वर घोषित करता। मैं इस कविता संग्रह में जंगल को ईश्वर घोषित करता हूँ। मेरी नजर में
जो धरती में अगर ईश्वर के रूप में कोई है तो वो जंगल है, पेड़ पौधे है। पृथ्वी के सीने में कालजयी स्पंदन बन जंगल धड़कता है। पृथ्वी के सीने में कालजयी स्पंदन बन जंगल धड़कता है। जंगल मात्र पर्यटन का क्षेत्र नहीं, जंगल मात्र पर्यटन का क्षेत्र नहीं, बल्कि एक ऐसा दार्शनिक स्थल है जहां से आप अर्थशास्त्र से लेकर राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान से लेकर भौतिक विज्ञान के सूक्ष्म से सूक्ष्मतम सिद्धांतों पर विवेचना कर सकते हैं। तो जंगल जो है ना वो ऐसी वैसी चीज नहीं, जंगल बहुत सब कुछ, बहुत दर्शन छिपा है जंगल के व्यक्तित्व में। और जंगल को अगर कोई समझता है तो वो बहुत गंभीर और गूढ़ विषयों को समझ जाएगा। निरस्त नहीं अस्त नहीं, निरस्त नहीं अस्त नहीं, तुम जैसा व्यस्त नहीं। इंसान तो फालतू फालतू में व्यस्त रहते हैं आजकल के लोग। निरस्त नहीं अस्त नहीं, तुम जैसा व्यस्त नहीं, दर्ज है आज भी दर्जेदार जंगल, दर्ज है आज भी दर्जेदार जंगल, भेद नहीं करता अभेद जंगल, डिफरेंशिएट नहीं करता है, ऊंच नीच नहीं करता। परास्त नहीं लड़ने भिड़ने का उसके पास कोई धर्मशास्त्र नहीं, लड़ने भिड़ने का उसके पास कोई धर्मशास्त्र नहीं, अतिक्रमण का अर्थशास्त्र भी नहीं, अतिक्रमण का अर्थशास्त्र भी नहीं, निरस्त नहीं, निरस्त नहीं अस्त नहीं, तुम जैसा व्यस्त नहीं, दर्ज है दर्जेदार जंगल, शान है शानदार जंगल। तो ये कविता है, मुझे बहुत पसंद है और इसमें बहुत कुछ कहने की कोशिश करी है मैंने। और एक वीर रस जैसी है ये कविता, ये सुनाती हूँ। मैं तोड़ दूंगा प्राचीर, ये मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आप तो स्त्री हैं और आपने लिखी है ये कविता, तो आप तोड़ दूंगा प्राचीर क्यों लिख रही हैं, तोड़ दूंगी प्राचीर क्यों नहीं लिख रही। तो उस पर मैंने लिखा कि जब मेरे अंदर ये भाव आए कि मैं तोड़ दूंगी, ये नहीं भाव आया, जो भाव आया मेरे अंदर तोड़ दूंगा, तो मैंने वो तोड़ दूंगा ही लिख दिया। मैं तोड़ दूंगा प्राचीर उत्कट हो, मैं तोड़ दूंगा प्राचीर उत्कट हो, सीमा के उस पार जाऊंगा प्रकट हो, सीमा के उस पार जाऊंगा प्रकट हो, क्षितिज के माथे पर निवारण लिखकर आऊंगा, क्षितिज के माथे पर निवारण लिखकर आऊंगा, जंगल 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 ही गाऊंगा, जंगल 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 ही गाऊंगा, जागरण लिखकर आऊंगा, जागरण लिखकर आऊंगा, कुसंस्कार कुपोषण, कुसंस्कार कुपोषण कुपालन कुपालन और कुंठा से दूर, अमृत में जो सदा रहे वह है समय, जो हमेशा रहता वो समय, जो सदा रहे वह है समय, जो प्रबल है वही तो जंगल, जो प्रबल है वही तो जंगल है, जिसने हमारे संतति को गर्भ में पाला, जिसने हमारे संतति को गर्भ में पाला, हमने उसे दिया विष का प्याला, संपूर्ण रसों में रस्तम, संपूर्ण रसों में रस्तम, उत्कृष्ट आचरण लिख कर आऊंगा, उत्कृष्ट आचरण लिख कर आऊंगा, मैं तो जंगल 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 ही गाऊंगा। ये एक और कविता है मेरी, जंगल पर जो कविताएं हैं वो बहुत अलग स्टेट ऑफ माइंड में मैंने लिखा ये सारी कविताएं।
हर एक कविता को मैंने एक चीज से कंपैरिजन किया है, कभी राजनीति से जंगल को कंपैरिजन किया है, कभी मानव हृदय से, कभी स्त्री के मन से, कभी बाल मन से। हमने हर एक अलग स्टेट ऑफ माइंड में जाके जंगल सदा से अनोखा, ये कविता, जंगल सदा से अनोखा, बाढ़ वर्षा सूखा, जंगल सदा से अनोखा, बाढ़ वर्षा सूखा, तूफान युद्ध महामारी, विभीषिका प्रदूषण वैविचारी। जंगल अकेला ही लड़ सकता है, जंगल अकेला ही लड़ सकता है, समताएं विषमताएं पढ़ सकता है। जंगल अकेला ही लड़ सकता है, समताएं विषमताएं पढ़ सकता है, लिख सकता है इतिहास, बदल सकता है भविष्य, लिख सकता है इतिहास, बदल सकता है भविष्य, सुंदर पर्ण पर अक्षर अक्षर स्वर्ण पर, सुंदर पर्ण पर अक्षर अक्षर स्वर्ण पर, एक रूपक जंगल है व्यापक, एक रूपक जंगल है व्यापक, सदैव समाधि में मग्न। साधु से तुलना कर रही हूँ, एक मननशील एक लॉजिकल पर्सन से जंगल की तुलना कर रही हूँ। जंगल है व्यापक, सदैव समाधि में मग्न, अक्षय चैन है जंगल, अक्षय चैन है जंगल, वसुंधरा के ही सुंदर, वसुंधरा की ही सुंदर दो नयन है जंगल, वसुंधरा के सुंदर नयन जैसा है जंगल, वसुंधरा के सुंदर नयन जैसा है जंगल। तो ये जंगल की एक और कविता। अब एक थॉट लिखा है जंगल के ऊपर, ये सारी चीजें मैं थॉट जो है वो एक कविता और थॉट ये दोनों को साथ में लिख रही हूँ ये जंगल के बारे में। जंगल के चरित्र में हिंसा और भय नहीं है, जंगल के चरित्र में हिंसा और भय नहीं है, जंगल पूर्ण रूपेण सात्विक है, सात्विक भय नहीं है, जंगल पूर्ण रूपेण सात्विक है, चैन की विवशता से परे। जैसे आधे लोग तो चैन ही नहीं कर पाते हैं कि उन्हें करना क्या है, उनके पास ऑप्शन रहते इतने, वो कंफ्यूज ही रहते जीवन भर। चैन की विवशता से परे, चैन की विवशता से परे, उसके जीवन में मौलिकता का रस, उसके जीवन में मौलिकता का रस, अनुकूलता का सहचर्य लिए हुए, अनुकूलता का सहचर्य लिए हुए, हजारों पीड़ा के बावजूद अवसाद से दूर, ये जंगल। खर्च के नीचे दबी फीकी हंसी, खर्च के नीचे दबी फीकी हंसी, आंखें गड्ढों में धसी, खर्च के नीचे दबी फीकी हंसी, आंखें गड्ढों में धसी, जंगल बोल पड़ा, जंगल बोल पड़ा, मेरे अंदर का सागर दीमक में घूमते हुए पुराने दिमाग में घूमते हुए पुराने नौकर चाकर दिमाग में घूमते हुए पुराने नौकर चाकर एक कर्ज एक फर्ज विश्वास की इमारत ढहने को है। जंगल कह रहे हैं विश्वास की इमारत ढहने को है, अंधेरे का आदि, मानव समाज को कह रहा है जंगल, अंधेरे का आदि महात्मा का खादी, अंधेरे का आदि महात्मा का खादी, कुछ कहने को है। खर्च के नीचे दबी फीकी हंसी, आंखें गड्ढों में धसी। तो इसमें जो पिछड़ा वर्ग है, इसकी जो व्यथा है, इसको रिलेट किया है जंगल के साथ। जंगल एहसास का नाम है, जंगल एहसास का नाम है, अंदर बाहर होते श्वास का नाम है, अंदर बाहर होते श्वास का नाम है। डरता है जंगल,
कहता है जंगल, डरता है जंगल, कहता है जंगल, इंसान कुछ भी घटा सकता है, इंसान कुछ भी घटा सकता है, बहुत सम्मान दो उसे, बहुत प्यार, फिर भी जब चाहे हमें कटा सकता है, बहुत प्यार दो उसे, फिर भी जब चाहे हमें कटा सकता है, माँ की कसम खाकर माँ को ही लुटा सकता है, माँ की कसम खाकर माँ को ही लुटा सकता है, जो नहीं है वही दिखा सकता है। ये जंगल कह रहा है, जो नहीं है वही दिखा सकता है, भोले जंगल से सब कुछ लेकर भोले जंगल को भीख मांगने को लगा सकता है। तो नमस्कार, ये बहुत सारी आज कविताएं मैंने सुनाई, और बहुत कवि और लेखक बहुत खुश होते हैं अपने को अभिव्यक्त करके, तो ये खुशी का जो सुअवसर दिया हमें देवेंद्र जी ने, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और अब इजाजत चाहती हूँ, नमस्कार।